आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे मेहंदी अप्लाई करो, लाइक मेहंदी का पेस्ट बनाते समय आप किन चीजों को ऐड करो जिससे कि मेहंदी न सिर्फ आपके बालों को देगी एक बेहतरीन कलर बल्कि साथ ही साथ आपके बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट कर देगी हाथों हाथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड साथ ही चैनल पे पहली बार आ रहे हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ गुड़हल के फूल और पत्तों को लिया है एंड ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। ये बेस्ट होता है हेयर लॉस के लिए, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है, साथ ही वॉल्यूम ऐड करता है बालों में। एंड अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, ड्रैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो गुड़हल के फूल और पत्तों को मिक्स करना बिल्कुल ही मत भूलना अगली बार से अपने मेहंदी मास्क में। इसी के साथ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ करी लीव्स भी लिए हैं जिसमें कि भर भर के होते हैं विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट एंड साथ ही आयरन जो कि हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। सो अगली बार से करी लीव्स को भी ऐड करना मत भूलना। सो इसी के साथ मैंने लिए कुछ फ्रेश नीम के पत्ते जिनमें की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है एंड अगर आपके स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, इच स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो नीम के पत्ते उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर देंगे एंड वो इच स्कैल्प की प्रॉब्लम के लिए तो बेस्ट होता है। मेहंदी के बाद अक्सर लोगों को इच स्कैल्प की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप मेहंदी में नीम के पत्तों को मिक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड ये हमारे वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है यार। सो नीम के पत्ते लिए मैंने यहाँ पे एंड साथ ही मैंने लिए हैं फ्रेश एलोवेरा जिसमें की होते बहुत सारे एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स एंड मिनरल्स जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। साथ ही अगर आप एलोवेरा को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो अपने बालों पे तो ये आपके बालों को सन के हार्मफुल रेज से भी बचाते हैं। सो एलोवेरा ऐड करना तो बिल्कुल ही मत भूलना अगली बार से अपने मेहंदी में। सो साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारे फ्रेश मेहंदी के पत्ते। अब देखो मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक मेहंदी पाउडर आपको मिल जाएंगे बट कहीं ना कहीं जो बेनिफिट आपको ये ताजी मेहंदी की पत्तियां दे देंगी ना आपके बालों को वो कोई भी ऑर्गेनिक मेहंदी आपके बालों को नहीं दे सकता। तो अपने मेहंदी मास्क में यार फ्रेश मेहंदी के पत्तों को तो बिल्कुल ही स्किप मत करना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए। लेकिन आपके बालों को कलर तो देता ही है बट साथ ही आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन प्रोवाइड करता है। ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है तो उसे भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है यार। मेहंदी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है तो फ्रेश मेहंदी के पत्तों को ऐड करना बिल्कुल मत भूलना। सो इतना सब करने के बाद अब बनाते हैं मेहंदी का पेस्ट। तो मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दो छोटे पैकेट्स नूपुर मेहंदी का एंड मैं छोटे पैकेट्स यूज करती हूँ क्योंकि फ्रेश होते हैं एंड एक बार में खोलूं तो पूरा यूज हो जाता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बड़े पैकेट्स में ना मेहंदी खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है जिससे कि फिर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता, कलर नहीं आता बालों में। तो मैं आपको बोलूंगी छोटे पैकेट्स यूज करूं। सो मैंने दो छोटे पैकेट्स लिए हैं यहाँ पे नूपुर मेहंदी के एंड नूपुर मेहंदी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो नूपुर मेहंदी लिया है मैंने एंड साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर आपके बालों को देगा एक बहुत ही अमेजिंग कलर एंड कॉफी भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है यार हमारे बालों के लिए तो कॉफी को मिक्स करना बिल्कुल ही मत भूलना। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उस प्योरी को, हमारी जो ग्रीन मेहंदी का पेस्ट जो हमने बनाया था उसे हम इसमें ऐड करेंगे एंड अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इसको मिक्स करते टाइम आपको थोड़े पानी की जरूरत पड़ सकती है। आपको ऐड करने यहाँ पे आंवला जूस, वही आंवला जूस है जो हम पीते हैं। सो इससे हमारे बालों को मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन कलर एंड साथ ही ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा एंड हेयर फॉल को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। सो आंवला जूस मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंड अगर आपके पास आंवला जूस ना हो तो आप यूज कर सकते हो दही का, दही ना हो तो आप यूज कर सकते हो चाय पत्ती के पानी का बट मैं आंवला जूस का यूज करती हूँ, इससे बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर मिलता है। सबको मिक्स कर लेने के बाद, अच्छा सा पेस्ट बना लेने के बाद आपको इसे रख देना है रेस्ट के लिए। बेस्ट होगा कि ओवरनाइट के लिए रख दो बट मिनिमम आपको इसे एक घंटे के लिए रखना है जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपके बालों पे अपना पूरा कमाल दिखा पाएंगे। सो एक घंटे के बाद आपको सिंपली इसे बहुत ही अच्छे से अपने बालों में अप्लाई कर लेना है लाइक रूट्स से टिप तक एंड आपको इसे पूरी तरीके से अपने बालों में ड्राई नहीं होने देना क्योंकि अगर मेहंदी आपके बालों में पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी लाइक पूरी तरीके से सूख जाएगी अगर तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको इसे अपने बालों में लगा हुआ रहने देना है 30-35 मिनट्स के लिए और दूसरे भाषा में कहे तो सेमी ड्राई करना है लाइक एक्स्ट्रा पानी जो भी है मेहंदी का सूख जाए, जब देखो कि बालों में अच्छे से सेट हो गया तो आपको शाकिया पहन लेना है और प्लास्टिक बैग की हेल्प से अपने बालों को कवर कर लेना है जिससे कि ये मेहंदी आपके बालों में पूरी तरीके से ना सूखे क्योंकि अगर मेहंदी आपके बालों में पूरी तरीके से सूख गई तो स्कैल्प में ऑरेंज कलर छोड़ के जाएगी जो कि बाद में डैंड्रफ बन जाता है। सो आपको मेहंदी को पूरी तरीके से अपने बालों में ड्राई नहीं करना, इस बात का आप ख्याल रखो। तो शाकिया पहनने के बाद आपको इसे लगा हुआ रहने देना है 3-4 आवर्स के लिए
लाइक 3-4 घंटे काफी होंगे। तो इतना सब करने के बाद बारी आती है मेहंदी को रिमूव करने की। तो मेहंदी को रिमूव करना है आपको प्लेन वाटर से, लाइक सिंपली सादे पानी से आपको अपने बालों को धो लेना है, शैम्पू बिल्कुल ही नहीं करना। देखो कैसे हमारे हाथों पे मेहंदी जो है वो 24 घंटे तक चढ़ती है, आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर की मेहंदी धीरे धीरे करके डार्क हो जाती है अगले 24 घंटों में। तो सेम प्रोसेस हमारे बालों में भी होता है, बट अगर आप उससे शैम्पू से वॉश कर दोगे, मेहंदी को रहने नहीं दोगे, तो कहां से मिलेगा आपको पूरा एक अच्छा सा कलर मेहंदी का। तो आपको सिंपली पानी से वॉश कर देना है जिससे कि सारा एक्स्ट्रा वो मेहंदी के पत्ते ये सारी चीजें रिमूव हो जाए, बट मेहंदी का एसेंस कहीं ना कहीं आपके बालों में रहेगा ओवरनाइट। आपको नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश करना है अपने बालों को शैम्पू से, उससे पहले आपको अपने बालों में शैम्पू नहीं करना, प्लेन पानी से अपने बालों को धो। कहीं ना कहीं से पूरी मेहंदी अच्छी तरीके से साफ नहीं होगी, बट 50-60% मेहंदी निकल जाएगा एंड बाकी जो है वो बाल सूखने के बाद आप देखोगे कि खुद ही सूखे वो झड़ जाएंगे आपके बालों से। सो कोई टेंशन नहीं है, एक बार मेहंदी सूख के झड़ जाए, बाल साफ लगने लगे, तो आपको करनी है अपने बालों में ऑयलिंग। सेम प्रोसेस है यार जो हम अपने हाथों के लिए करते हैं, सेम आपको करना है अपने बालों के लिए, तभी तो मिलेगा आपको वो परफेक्ट ब्राउन कलर अपने बालों में। सूख जाने के बाद आपको ऑयलिंग कर लेनी है एंड बेस्ट होगा कि आप ऑयलिंग के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करो। लाइक हम अपने हाथों की मेहंदी के लिए भी तो देखो सरसों तेल का यूज करते हैं, कलर कितना ज्यादा अच्छा आता है आपको पता ही है। सबको सेम ऑयल अपने बालों में भी अप्लाई कर लेना है, बेस्ट होगा। अदरवाइज अगर आप सरसों तेल नहीं अप्लाई कर सकते किसी भी रीजन से, तो आप दूसरा भी कोई ऑयल यूज कर सकते हो। सो ऑयलिंग करने के बाद आपको इसे रात भर ऐसे ही रहने देना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको कर लेना है शैम्पू। वॉश करने के बाद आप देखोगे कि आपके बाल इतने ज्यादा सिल्की सॉफ्ट हो गया है एंड कलर तो इतना बेहतरीन आएगा कि मुझे पूरा यकीन है कि आप बाजार वाले उन केमिकल से भरे हुए कलर्स को भूल जाओगे, इतना अमेजिंग कलर मिलेगा। एंड इस कलर की बेस्ट बात ये होगी कि ये कलर आपके बालों को कमजोर बनाने के बजाय उसे और ज्यादा मजबूत कर रहा होगा, उसे और ज्यादा नरिश कर रहा होगा। सो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। आई होप मैंने इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे से क्लियर बता दी हूँ, बट स्टिल यार अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स को पढ़ना। सो बस दैट्स इट फॉर टुडे, मैं आपसे बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो के